सो हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक एंड यू आर वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के कुछ कमाल के फीचर्स के बारे में, एंड इन फीचर्स को आपको जानना चाहिए, एंड इन फीचरों को जानने के बाद आप अपने यूट्यूब को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो नंबर वन पे जो हमारा फीचर है वो है हमारे इंटरेस्ट के बारे में। जब भी आप यूट्यूब को ओपन करते हो, जो मेन होम पेज होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस शो होती हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ वीडियो को देख लेते हो एंड बार बार जैसे आप अपने यूट्यूब को ओपन करते हो वो आपको शो होती रहती हैं, एंड कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वीडियो आपको पसंद नहीं आती एंड वो भी आपके होम पे मतलब शो होती रहती हैं। तो ऐसे में आप इन वीडियो को मतलब हटा सकते हो। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद आपके सामने नॉट इंटरेस्टेड का ये ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप सिंपली कर दीजिए क्लिक, एंड आप रीज़न भी दे सकते हैं इधर टेल अस व्हाई पे क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं रीज़न दे देता हूँ, आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस वीडियो। या अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते तो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, आई डोंट लाइक दिस वीडियो। तो अब यूट्यूब आपको वाली वीडियो जल्दी से रेकमेंड नहीं करवाएगा। तो बढ़ते हैं अपने फीचर नंबर टू की तरफ। तो ये फीचर काफ़ी कमाल का है। अगर आप अपनी सर्च हिस्ट्री या वॉच हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हो तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको अपनी इस इमेज पे क्लिक कर देना है, एंड इसके बाद आपको जाना है सेटिंग में, फिर इसके बाद आपको जाना है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में, एंड इधर क्लिक करके आप मतलब जो भी आपकी वॉच हिस्ट्री है उसे क्लियर कर सकते हो, और नीचे क्लिक करके आपकी जो भी सर्च हिस्ट्री है आप उसे भी क्लियर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मतलब आपकी सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री ना बने तो सिंपली आप उसको यहाँ पे ऐसे पॉज कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे आप कुछ भी देखोगे या कुछ भी सर्च करोगे तो उनकी हिस्ट्री नहीं बनेगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फीचर नंबर तीन की तरफ। तो ये वाला फीचर बेसिकली हमारा कमेंट से रिलेटेड है। तो गाइस, अगर आप किसी वीडियो पर कमेंट करते हो और आप चाहते हो कि आपकी वाली कमेंट मतलब टॉप पे शो करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, एंड आप किसी पार्टिकुलर वर्ड या किसी चीज़ को मतलब अपने कमेंट में हाईलाइट करवाना चाहते हो तो भी आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको मैं बता दूँ, इसमें जो लेटर्स होते हैं वो आपके मतलब बोल्ड हो जाते हैं। तो कमेंट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ क्लिक, एंड जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को कमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अपडेटेड यूट्यूब में अब कमेंट ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर आप मतलब जो भी आप वर्ड जिससे भी आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं वहाँ पे एक स्टार लगा दीजिए, एंड उसके बाद स्टार लगा दीजिए, जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये GTA सैन एंड्रियास को मतलब हाईलाइट करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे स्टार और इधर स्टार लगा दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब मैं कमेंट कर दूंगा तो ये अपना आप हाईलाइट ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना कमाल का फीचर्स है, तो अब से आप भी इस फीचर को यूज़ करना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फीचर नंबर फोर की तरफ। तो गाइस, वाला फीचर भी हमारा कमेंट से रिलेटेड है, एंड जब भी आप कोई वीडियो देखते हो एंड आप उस वीडियो में किसी टाइम पे मतलब मेंशन करवाना चाहते हो कि आप इस वीडियो को यहाँ से देखिए, तो ये फीचर वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए भी आपको कमेंट को ओपन कर लेना होगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो 2 मिनट की है, एंड मैं इस वीडियो में 1 मिनट 40 सेकेंड पर कुछ मेंशन करवाना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो चैट 1 मिनट 40 सेकंड। तो आपको इस वाले आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। 1 लिख दिया मैंने, फिर इस पर टैप करा, एंड फिर 40 लिख दिया, यानी कि 1 मिनट 40 सेकंड। तो आप देखोगे तो ये नीली रंग की ये हो जाएगी, एंड जो भी इस पर क्लिक करेगा तो ये वीडियो अपना आप यूट्यूब की वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप भी कोई सा भी पॉइंट वीडियो में ऐसे मैंसन करवा सकते हैं। एंड आई थिंक गाइस, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था वॉच फ्रॉम, यानी कि 1 मिनट 40 सेकंड से देखें, क्योंकि एक्चुअली मैं बताना यही चाहता हूँ कमेंट के थ्रू। तो इस फीचर को आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, एंड जो भी यहाँ मतलब 1 मिनट 40 सेकंड पे जो भी क्लिक करेगा वीडियो ऑटोमेटिक वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने फीचर नंबर 5 की तरफ। तो गाइस, जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो आपने नोटिस करा होगा कि वीडियो के चलते चलते आपको मतलब ऐसा सजेस्टेड सा ये ऑप्शन दिखता होगा। तो एक्चुअली में जो यूट्यूबर होता है वो आपको अपनी कुछ मतलब यूट्यूब की वीडियोज़ शो करवाना चाहता है, तो आप उन वीडियो को भी ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको इस आई बटन पे क्लिक करना है, एंड आप देख सकते हैं उन वीडियोस को जो ये चैनल आपको रेकमेंड करवाना चाहता है। तो ये भी काफ़ी कमाल का यूट्यूब का एक फीचर है, एंड अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो आज आपको पता चल गया। वैसे बेसिकली इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता होता है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने फीचर नंबर 6 की तरफ। तो गाइस, इस फीचर के अंदर आप जो भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हो मतलब उनके सबटाइटल्स आप ऑन कर सकते हो, अगर वो उस चैनल ने उस वीडियो के जो भी सबटाइटल्स डाले होंगे आप उन्हें देख सकते हो। तो सिंपली इसको ऑन करने के लिए आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैप्शंस का ऑप्शंस। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको मतलब लैंग्वेज दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर अभी मेरे को इंग्लिश की सिर्फ शो कर रही है, तो आपको यहाँ पे वो सब लैंग्वेज दिख जाएंगी मतलब जिसकी चैनल ने आपको सब टाइटल्स प्रोवाइड करवा रखे हों। तो अभी ये जो मैं वीडियो देख रहा हूँ इसमें सिर्फ इंग्लिश ही सब टाइटल्स हैं, यानी कि सिर्फ इंग्लिश के मेरे को सब टाइटल्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है यूट्यूब का।
तो ये वाली वीडियो वैसे हिंदी लैंग्वेज में थी, बट यहाँ पे मुझे इंग्लिश में सबटाइटल्स मिल गए, यानी कि अगर किसी को हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो वो इस सबटाइटल्स के जरिए मतलब इस वीडियो को समझ सकता है। तो ऐसी कई वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो कि इंग्लिश में होंगी, उसमें आपको हिंदी के भी सबटाइटल्स मिल जाएंगे और भी कई मतलब लैंग्वेज के आपको सबटाइटल्स मिल सकते हैं। तो गाइस ये फीचर भी काफ़ी कमाल का, ये भी आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो गाइस अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर आखिरी यूट्यूब का फीचर बताने जा रहा हूँ जो कि फीचर नंबर 7 है मेरी इस वीडियो में। तो ये वाला जो फीचर है एक तरीके का प्राइवेट फीचर है एंड कई लोग इस फीचर के बारे में शायद जानते भी हो। तो फाइनली अगर मैं आपको बता दूं, आप मतलब कुछ भी सर्च कीजिए, कुछ भी वीडियो देखिए, आपके अकाउंट पे बिल्कुल कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये एक तरीके का प्राइवेट मोड है, ठीक है। तो जान लेते हैं अब इसको एनेबल कैसे करना है। तो सिंपली आपको इमेज पे कर देना है यहाँ पे क्लिक एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड। तो गाइस ये मोड काफ़ी कमाल का है, अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपको इसके बारे में पता भी होगा। तो ये एक प्राइवेट तरीके से समझ लीजिए, आपका यहाँ पे यूट्यूब खुल जाएगा, अब आप कुछ भी वॉच करते हो, कुछ भी सर्च करते हो तो उसका मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो याद रखना आप इनकॉग्निटो मोड में किसी भी वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही डिसलाइक कर सकते हो, ना ही कुछ कमेंट कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।